हाँ जी, आज क्या विषय है आपका? आप सबका पहले तो स्वागत है। आज का प्रमुख विषय जो है, 10 तारीख के हल्का स्तरीय एक तो मीटिंग आयोजित की जाएगी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिसमें हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल होंगे, वीर भवन में आयोजित की जाएगी। और दूसरा, जो गवर्नमेंट के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, उनको उनका फायदा जो है जनता तक पहुँचे, ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे। और आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे, गांव-गांव में जाकर के जनसभाएं करके लोगों को हर नागरिक से संपर्क करने का काम करेंगे। और उस कार्यक्रम में, उस मीटिंग में हम ड्यूटी लगाएंगे, कब कब हमने कहां जाना है। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने इतने काम कर दिए हैं जिनकी यानी जानकारी देना और उनका लाभ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने फैमिली आईडी से जो जोड़ा है, जिस तरह से सारी सुविधाएं जो हो वो फैमिली आईडी से मिलेंगी, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें अगर फैमिली आईडी में 60 साल उम्र हो जाएगी तो अपने आप पेंशन बन के घर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये इनकम है तो उसका बीपीएल कार्ड बन जाएगा। फैमिली आईडी में अगर 3 लाख से कम आय है तो उसमें आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो जिस लोगों को दिक्कत भी होगी उनकी दिक्कत भी पूरी करेंगे, ताकि कोई दिक्कत जनता को ना आए, उनको पूरा कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिले, लाभ मिले, ये हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और दूसरा, अब चंद्रयान 3 जो है चांद पर लैंड कर गया है, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी का, इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में भारत जो है वो प्रथम नंबर पे आ गया है। और बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, और यहाँ भी जो मीटिंग है उसमें कार्यकर्ता को हम बताएंगे भाई क्या क्या काम हमने आगामी समय में करने हैं। तो प्रमुख तौर से तो हम आज इसलिए आप लोगों को बुलाया है, बाकी आप जो सवाल पूछना चाहे आपका स्वागत है। ये समझा जाए, जो करमवीर सैनी पिछले 4 साल से शांत बैठा था, अब मुख्यमंत्री के द्वारा उनको कोई ऑक्सीजन दे दी, चुनाव लड़ने का कोई इशारा कर दिया, ऐसा है? देखिए, मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मेरे को सबका आशीर्वाद प्राप्त है, मुख्यमंत्री जी का भी, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी का भी, क्योंकि पार्टी जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को मौका देगी और उसमें मैं सक्षम हूँ सीट निकालने के लिए। इसलिए मैं भी एक तरह से एक उम्मीदवार हूँ, और पूरी उसमें जो भी हमारे और भी साथी, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहता, और भी साथी टिकट मांग रहे, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, और मौका दिया पार्टी ने तो मैं चुनाव लड़ूंगा 100%। बीजेपी में 1,100 बीमार वाला काम है, क्योंकि बहुत सारे टिकट मांगने के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, टिकट एक को ही मिलेगी, ऐसे में आपको लगता है कि आपको टिकट मिल पाएगी? देखिएगा, मैंने कहा है जो जीतने वाला उम्मीदवार है और जो मजबूत उम्मीदवार है उसको टिकट मिलेगी, और मैं सारी जो जिन पे भी टर्म कंडीशन है उनको मैं खराब करता हूँ और मैं 100% जीतता हूँ। क्योंकि देखो, पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, स्वाभाविक है कि उसमें सारे उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि जीतने वाली पार्टी उम्मीदवार तो आएंगे। पर मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबने मांगने का अधिकार है, परंतु मैं अपना दावा अपने हिसाब से पेश करूंगा और मैंने पेश भी किया है, तो उम्मीद है मेरे को मिलेगी। विपक्ष के जो विधायक है अभी हाल में सफेदों में, उनके द्वारा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं सफेदों में, उनको नाम दिया गया है टुकड़े टुकड़े गैंग, इस पर आप क्या कहेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग तो कांग्रेस पार्टी है, जिनका कोई अनुशासन नहीं है, अलग अलग अपनी रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग अपने जलसे कर रहे हैं, अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। देखो प्रदेश में क्या हाल है, देश में क्या हाल है, कांग्रेस नामात्र की जो रह गई है, छोटे थोड़े बहुत नेता रह गए हैं, और वो भी आने वाले समय में बहुत सारे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस में कुछ नहीं रहना है, टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो उल्टी परिभाषा बोल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग तो कांग्रेस पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो एक अनुशासित पार्टी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक पार्टी है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी से बाहर नहीं है। आपने 2 चुनाव लड़े, 2005 में आपने पार्टी से चुनाव लड़ा, 14 में भी आपने बसपा को कहा। अब चुनाव अगर आप पूरा समीकरण देखें तो बैकवर्ड ये हल्का माना जाता है,
तो सीट भी बैकवर्ड की कांग्रेस के टाइम से है, तो लगता है पीछे भी बीजेपी ने बैकवर्ड कोई टिकट दी थी, अब की बार फिर बैकवर्ड में आ सकती है। हाँ फिर मजबूत है। अब नौ विधानसभा क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र में, इसमें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में नौ विधानसभा क्षेत्र है, बैकवर्ड की एक सीट है, ये भी सफेदों है, बाकी अलग समाज से लोग लड़ रहे हैं चुनाव, हमने कोई दिक्कत नहीं, सब समाजों के सब समाज मिलके ही गुलदस्ता बनता है, अलग अलग समाज से लोग लड़ रहे हैं। कोई टिकट नहीं दिया तो क्या आपकी बार लगता है बैकवर्ड की जो सीटें हैं वो आपकी पार्टी बढ़ा पाएगी? बैकवर्ड को दिया क्यों नहीं, तीन सीटें हैं बैकवर्ड की अभी भी। अभी देखो कुरुक्षेत्र लड़ रहे हैं, वहाँ पे चुनाव जीते हैं, एमपी हैं, राव इंद्रजीत जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, तीन सीटें तो चलो बीसीबी में है, बीसीए में दोनों मिलके एक ही है सारा बैकवर्ड, तीन सीटें ऑलरेडी ली है बैकवर्ड को। एक वक्तव्य में आपने कहा था कि बच्चन सिंह आर्य को मैंने सपोर्ट किया है और पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास है आर्य भी पूरी मदद करेंगे, अगर उनको मौका मिलता तो उनकी करेंगे और मेरे को मौका मिलता तो मेरी करेंगे, स्वाभाविक बात है, पार्टी के वफादार सिपाही हैं वो भी, पार्टी के हम वफादार सिपाही हैं। फिर पिछली बार हार का कारण बीजेपी नेता ही क्यों रहे? मैं नहीं समझता बीजेपी के नेता रहे हैं। हार किसके कारण हुई? हार तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें होती रहती है। देखो पार्टी में किसको वोट, जनता ने फैसला करना है, बाकी बहुत थोड़े मार्जिन से आ रहे हैं, काफी मजबूती से चुनाव लड़ा है। क्या सभी बीजेपी नेता एक थे पिछली बार? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, हर पार्टी कार्यकर्ता ने मदद की है। अगर एक होते तो वो जीत जाते। जीतना हारना तो लोकतंत्र में जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, हमने मतदब के मदद की है और हम तो आगे के लिए कह रहे हैं 100% तो हम लड़ेंगे, अगर और कोई लड़ता तो उसकी मदद करेंगे। 10 साल सरकार को जाएंगे, एंटी कंपेंसी भी एक बड़ा चैलेंज होगा, लगता है कि इस प्रकार का माहौल प्रदेश में, कहने कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं अब ऑक्सीजन है उस समय बदलाव। कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी है, मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ने अमूल चूक परिवर्तन किया है हरियाणा में और देश में, आज जीरो टॉलरेंस जीरो भ्रष्टाचार है, पूरी कोशिश जारी है, आप कोई भी काम देख लीजिए ऑनलाइन कर दिया है, कहीं भी कागज उठा के आपको जाने किसी के दरवाजे पे जरूरत नहीं है, बल्कि जो टोटली काम है, जो कायदा कानून है, जिस जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत होता, आज किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, आज किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आज किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। राव इंद्रजीत परेशान है, और भी बड़े बड़े नेता आपके इस पोर्टल सिस्टम से नाराज है। देखिएगा पोर्टल में मैं कल भी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था और जनता को सुन रहा था, तो बार बार लोग ये कह रहे थे जी हमारे जिस तरह से हमारे गांव में रजिस्ट्रियां हुई हैं लाल डोरा के अंदर, कभी हमने जिंदगी में सोचा भी नहीं था, अब सब पोर्टल पे चढ़ गई, हम प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, हम कहीं भी जाके लोन ले सकते हैं, कहीं भी फायदा ले सकते हैं, तो नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज आज सामने आ रहे हैं। देखिएगा पूरा प्रयास, जितनी मेरे में ताकत थी, हारने के बाद लोग बना देंगे, जब पूछना हम करके दिखाएंगे, हम उन आदमियों से नहीं बैठने वालों में नहीं है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, अगर आप लोग भगवान के आशीर्वाद से पार्टी के आशीर्वाद से तो फिर दिखाएंगे विधानसभा क्षेत्र कहाँ जाता है। सैनिक क्या क्या योजना है, कैसे वो काम करेंगे, क्या कार्यक्रम आगे किस तरीके से आगे? मैंने बताया कार्यकर्ताओं को एकजुट करके हर गाँव में जा करके हर घर में जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, पार्टी को मजबूत समझता हूँ, सब पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी बिखराव नहीं है, सबका एक है जो पार्टी से आप आते हैं उस समुदाय की बात करते हैं, उस समुदाय में कोई पार्टीबाजी नहीं है, 100% मेरे को पहले भी वोट दिया, 100% अब वोट देगा, मतलब ही नहीं उठता किसी प्रकार का, हमेशा मेरे साथ रहा है, कौन आदमी मेरे खिलाफ, एक आदमी बता दो आप कौन खिलाफ है, अब नोटी किसी के आकांक्षा किसी की इच्छा किसी का दिल में हो तो उसको तो मैं कह, ये तो आप 10 तारीख में देखना, बहुत सारे कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता आएंगे और उसी जुनून के साथ दोबारा से मैदान में उतरेंगे, और हम तो जब भी चुनाव हुए हैं जब से लेके आज तक एक दिन भी घर नहीं, ठीक है हमने ऐसा आयोजन नहीं करा भाई अलग से दिखे, परंतु हमारे जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो लोगों में है और हम भी लोगों में सुख दुख में हर गांव में जाते हैं, हर संडे मैं यहां पे बैठता हूं, हर जब भी बीच में कोई बात आती है तो हर गांव में जाता हूं मैं, दुख है सुख है शादी है हमारे करती है, पन्ना प्रमुख समेलन या कुछ और, तो स्कूलों में भी छुट्टियां करवा दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे भी और प्राइवेट पूरा टीम है यानी कि स्टाफ है सब नाराज नजर आए।
मेरी नॉलेज में नहीं है, पर ठीक है, साधन अगर किसी भाई ने करे हैं और वो भी उसकी स्वेच्छा से करे हैं, स्कूल की स्वेच्छा से, कौन की नाराजगी में तो करे नहीं।